छोटे छोटे छवा मन के यीशु प्यार करे ला कैसे प्यार करता है बड़ा प्यार करे ला कि हालेलुया। आप सभी से मसीह यीशु प्यार करता है और हम सभी से भी हालेलुया। तो इधर देखिएगा इधर हम उसे सीखेंगे इसी को सिखाना चाहिए बहुत ही होना गजब का गजब टॉपिक है के नाम से आप जो है टाइम सर को मजा लेकर तुम है और सोबर को ध्यान रखते हैं और कोई अगर कोई दुडू मचा आई नेता से सोबर को लेल को एक चोर सभी है हालेलुया। लिखा है बाइबल की शिक्षा के साथ आज का संदेश आज हम लोग जो भी सीखेंगे वचन में जो लिखा है यीशु मसीह के बारे में जो लिखा गया ना मसीह यीशु के आने से 700 साल पहले यानी बीसी 700 साल पहले जो यीशु के बारे में लिखा गया उस बातों को सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। देखते हैं लिखा है कि यीशु मसीह के विषय पर ही हम लोग करेंगे बातचीत है दुनिया के बारे में नहीं करेंगे। हालेलुया। जिसके चलते लिखा है यीशु क्या है परमेश्वर का बेटा है। आप तीनों चार पांच जो कोई पढ़े लिखो है एक दो आप पढ़े लिखे मैडम तीन चार पांच है आप लोग एकदम पढ़ने में मत कीजिए। हालेलुया। लिखा है कि यीशु मसीह क्या है परमेश्वर का बेटा है। ये बात सभी को विश्वास करते हैं अब विश्वास करता बिल्कुल तभी तो होने के नेता अगर अगर अब वो विश्वास मानो तो आप ही हुआ कभी जो है अरे ये ना मुझे देखते हैं मत्ती 16:16 में लिखा है पढ़िएगा शमौन पत्रस ने उत्तर दिया है क्या लिखा है तू जीवित है। हालेलुया। तो मसीह यीशु को कहेगा और परमेश्वर फोन ने पूरा मुंडा को हेल्प करना यहाँ पे लिखा हुआ ये होना दास का 30 में क्या लिखा मैं और पिता एक है मतलब यीशु मसीह और आया आपा जो परमेश्वर है इन किन के चिलके बना के मैंने मिल लेकर के मतलब मिल लेकर दंग हाँ बराबर मतलब एक है मतलब मिल लेकर के नियन गए के मिल दंग नियन गए के। हालेलुया। तो आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आज का विषय हालेलुया बहुत ध्यान दे वो आयु में आज का विषय है कि यीशु की असली पहचान हम कुछ कुछ पोस्टर बनाए थे ग्रुप में डाले थे कोई कोई देखा होगा। हालेलुया। यीशु की असली पहचान से कि आज हम बातचीत करें आज बातचीत करेंगे कि आपने कैसे यीशु को माना हर जिलकनी पे तूने यीशु हमारे जिलकनी यीशु पे तूने लेकिन सिखो को इसी जी असली यीशु को एक रेस को वो हालेलुया उन्होंने इनके दान और जहां जहां अच्छा लगे प्रभु के लिए जोर से बजाना तालियां अभी नहीं हालेलुया। लिखा है आज का विषय क्या है असली अरे यीशु की असली पहचान यीशु मसीह का असली चेहरा कैसा था आज हम उसकेंगे वो वचन से। तो लिखा है तो पढ़िएगा सदियों से यीशु का असली रूप हमसे छुपाया गया। लिखा है सदियों से यीशु का असली रूप हमसे छुपाया गया यानी आज से 2023 साल से यीशु का असली रूप हम सभी से क्या किया गया छुपाया गया
असली यीशु को हम सबों के बीच में पेश नहीं किया गया है, लेकिन आज आज यीशु मसीह का वचन से हम पेश करेंगे कि असली यीशु कौन है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इधर का बच्चे लोग सो रहे। लिखा है किसने जो है छुपाया, पता है किसने छुपाया? रेडी है उसके लिए? तो देखते हैं। लिखा है 90% शास्ता की सेवक। मैंने हम इसको कल फोन किए थे कि जहां तक हो सके तो उन लोगों को भी मैसेज करना, उन लोग बोलना, लेकिन शायद वो बैठ नहीं हुआ होगा इसीलिए उन लोग को नहीं बोला। लेकिन मैं चाहता था कि आज लोग बैठे, लेकिन क्या प्रभु का मर्जी क्या है किसी को नहीं पता। हालेलुया। लिखा है कि 90% शास्ता के सेवकों ने हमसे असली यीशु का रूप छुपाया गया। हालेलुया। कैसे छुपाया गया? एकदम बोलेगा कैसे छुपा गया, ऐसा करके पूछेगा कैसे छुपा गया, बोलकर पूछेगा कैसे छुपाया, कैसे? वेरी गुड, ऐसे थैंक यू। ऐसे एकदम पूछेगा ऐसे छिपाया कि हम सभी को उस यीशु को पेश किया गया है जो 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 मेरे कभी तो डॉक्टर बन के, कभी तो सेवक बन के, कभी तो नौकर बन के हम सब उनके बीच में पेश किया गया है। इनका यीशु मसीह अबू है थलर को पेश किए जी जी। कभी तो भाई रहे रूप रहे कौन लोग हैं ऐसे मतलब पेश किया गया इन लोग। लेकिन यीशु का असली मकसद आज हम लोग सीखेंगे। आज हम एक भाई से बात कर रहे थे कि आज मंडली में यीशु का असली मकसद को लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। जानते तो आज तक सुसमाचार सारी दुनिया में फैल चुका होता है। हालेलुया। पसीने लग रहा है, आपको पंखा लग रहा है, बहुत आशीष लग रहा है आप लोग। हालेलुया। देखिएगा इधर पर आज यशाया नबी के पुस्तक से सीखेंगे जो 700 BC में लिखा था। ये जो नबी है, नबी का नाम क्या है? यशाया नबी। मुड़ते क्या मैंने यशाया नबी मुड़े देखे कर। पर आज यशाया नबी से सीखेंगे जो 700 BC में लिखा था। यानी ये जो किताब जो 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 लिखा था इसने यीशु मसीह थे 700 यीशु है हिजूर सीधे रहा जो 700 साल पहले लिखा गया है। हालेलुया। इसको ज्यादा नहीं गाने, इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है। ओके राइट। पर आज यशाया नबी के पुस्तक से सीखेंगे जो 700 BC में लिखा हुआ था, लिखा गया था। कौन लिखा था किताब को? हाँ, जो जो से बोलिए यशाया नबी। और लिखा है यशाया ने देखा था यीशु का असली रूप। हालेलुया। यीशु मसीह पैदा हुआ कैसे? पवित्र वचनों के हिसाब से, पवित्र शास्त्र के हिसाब से पैदा हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह जब दुनिया में जब आया तो जो आने से पहले क्या किया था? नबी लोग भविष्यवाणी किया था, मूसा ने भी किया था, मैंने अपरा सभी को किया था। हालेलुया। लिखा है कि यशाया ने देखा था यीशु का असली रूप। बोलिए ये वचन को बोलिए पढ़ेंगे। पड़ेगा। जैसा बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए। हाँ, उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप
यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा, कि मनुष्य का सा जान पड़ता था, जान जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी, हाँ आगे आदमियों की सी, हाँ ना रह गई थी। लिखा है कि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, आगे लिखा नीचे में आदमियों की सी जान ना पड़ता था। मतलब ये अपने को बुझो कम से कम दर्शन के द्वारा ले जाता हरे चिल के ले जाता एका एका आया किताब है किताब पहले में जो लिखा गया था। हालेलुया। ये हम तो फोटो हम फोटो में डाले इसलिए ये यही इशू है बोल के नहीं मैं ये फोटो डाले। हालेलुया। कई लोग इसको भी पूजा करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है, लिखा है कि उसका रूप बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता है। मैंने यशाया नबी देख रहा था कि यीशु मसीह जब दुनिया में आएगा मानव जाति को बचाने के लिए, तो उस समय उसका हालत कैसा होगा इस बात को देख रहा था। हालेलुया। तो लिखा है क्या उनका रूप बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का ना जान पड़ता। मैंने आया रूप तिरपन अजय सभी को यहाँ खोल खोल कर रखिए फटाफट पूछेगा हालेलुया। जो 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 मैं जो जो सो रहा चोर साल में बोलेंगे आप लोग सभी को ही जागे हैं। आमीन। पढ़िएगा ऐसा अध्याय 53 वचन एक को पढ़िएगा। जो सुसमाचार हमें दिया गया, जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। सर लाइफ में अरे हालेलुया। लिखा है यहाँ पर जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। यीशु मसीह का सुसमाचार जब दुनिया में जब फैल रहा तो किसने विश्वास किया? अन्य जाति सबसे पहले ना यहूदी लोगों विश्वास किया था उस तक नहीं किया था। यहाँ था कि उसका भाई लोग है जो मसीह जो भाई सब होता था जो शरीर की सबसे वो उसका पिता भी उस पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए लिखा कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। आज भी यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं तो लोग विश्वास नहीं करता है क्योंकि बोलता है हम तो यहाँ बहुत दिन से हमारा तो ये है हमारा वो है। हालेलुया। लिखा कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। आज हम लोग कि यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। देखेंगे वचन तीन में वह तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ वह दुखी पुरुष था
लिखा गया रोग रोग से उसकी जान जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तूज जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। लिखा है कि वह तूज जाना गया, यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, जब 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 फरीसियों के सामने उसका न्याय हो रहा था ना, फरीसी और क्या है हाँ, इन सबों के बीच में उसका न्याय हो रहा था और यीशु मसीह को लोग पीट रहा था, दाल यीशु मसीह को दाल की ये को ओके क्या मालूम बचाव मिलते आबू मनवा उनको बचाव लगी देखो डाल की है बाबू क्या तुमने तो हम मजा लेगा अलग डिस्टर्ब ना लिखा कि वहाँ कुछ जाना गया, मतलब यीशु मसीह को स्लाब किए एल्सानर को बे किए को हालेलुया बे किए को हर ना ताकि अन्या होड़ को के आल को कौन बे को मिलते हालेलुया यीशु मसीह के को मैंने को दाल किए करा चुके जे अन्या होड़ को बचाओ का मिलते हालेलुया इसे लिखा हुआ हुआ तू जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। उसका चेला लोग भी क्या किया था, साथ दिया था, हाँ साथ दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। जब हाँ पतरस क्या बोलता है, मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। उस इंसान ने तीन बार इनकार किया और क्या कैसे करके बता शपथ खाया, कसम है जो कहते थे आज यीशु के कहीं तो नहीं मिलते हालेलुया। तो किसी ने पहले से लिखा क्या मनुष्यों का त्याग हुआ था एकदम 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 क्रूस पर यीशु मसीह अकेला था हालेलुया अकेला था वहीं पर लिखता है या पर हे मेरे ऊपर हे मेरे परमेश्वर हे मेरे पढ़िए तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर जब परमेश्वर भी वो कहता है कि छोड़ दिया हालेलुया ताकि यीशु मसीह जब पिता ने इसको छोड़ दिया ताकि जब इसको छोड़ा तो सारे मानव जाति को उसके पास लाए हालेलुया आमेन। आज यीशु मसीह अकेला क्रूस पर क्यों इतने इतना दुख उठाए ताकि ताकि बचाव का वह मानव को कहते हैं हालेलुया। तीसरी में तो नियाका जी के मैंने कलिसे रहते मंडली बेस पे काबू से प्रोजेक्ट हुआ इन्हें कुछ सिखो बच्चे आपे दान में पे तबे बचाव पे आपे मुट्ठी दानों पे तबे ने बचाव है आपे मेन सीमों में पे है क्या करूँ तुम ब्रदर ताई के रूप में पे तबे हाँ पहला फलों पे तब क्या आपे बचाव हम लोग यहूदी नहीं है हालेलुया हम लोग यहूदी नहीं है और हम लोग पुराना नियम वाले नहीं है ब्रदर राइट हम लोग यीशु मसीह के बेटा और बेटी है और हम लोग नया नियम वाले हैं हालेलुया आमीन। तो जब यहाँ पर यीशु मसीह को बड़ी ताड़ना हो रहा था जब क्रूस रे को आका कैसे मारे सोचा वाला मुझे छिलके दुख उठो करे यीशु मसीह हालेलुया ताकि अन्या होड़ को बचाओ को मेनते मैं तो इसी मसीह रे बिना गुरुए इलिहार आरकिरी को डोबे करना हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है हालेलुया। देखते हैं मत्ती आधे 24:49 लिखा है पढ़िए सर। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए आगे बढ़िए तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता वैसा ही हो हालेलुया। यहाँ पर लिखेगा फिर वह थोड़ा आगे जाकर आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा ये कटोरा क्या है ये कटोरा क्या है आपको पता है
कोई बता दो वहाँ बोले ये कटोरा क्या क्या इस कटोरा में क्या 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 था कटोरा में क्या प्रभु यीशु मसीह का मौत मौत और फिर कोई और कोई इस कटोरा पर क्या था इस मैंने कटोरा क्या पूरे पूरे दुनिया का पाप था हालेलुया इस पूरे दुनिया का पाप था इसीलिए कहता है कि हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टाल जाए प्रभु यीशु मसीह हमारे जब विनती करे उसका जब 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 पकड़वाने का समय पहुंचा तब तब प्रार्थना किया जब प्रार्थना करा तो बोला कि यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टाल जाए बट ये कटोरा आप और मेरा पाप था हालेलुया आप जानते हैं कि इस कटोरे में क्या था आप और मेरा गुनाह था आप और हमने क्या गुनाह किए दारू पिए दुनियादारी की है लड़की बजे की है बहुत सारे पाप किए ये वही कटोरा वही कटोरा उसमें था हालेलुया सारे दुनिया का पाप को उठाना कोई मजाक बात है एक जन का गलती को समाधान करने में कितना माथा पीछे होते आपको पता है हालेलुया उसी प्रकार से जब यीशु मसीह को पता था कि हमको मैंने हमको पीटा जाएगा और मेरा लहू बहाया जाएगा हालेलुया लिखा है कि यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टाल जाए तो भी मैं तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो आज हम लोग कैसे दुआ करते हैं प्रभु मेरा ड्यूटी चाहे नौकरी लग ही जाए लेकिन ये नहीं तू दुआ करते हैं प्रभु यदि आपका इच्छा है हमको हमको जॉब की दरकार है तो आपकी इच्छा दीजिए नहीं तो नहीं ऐसा कोई दुआ करता है नहीं नहीं करता है एकदम दुआ तुम वहाँ पर फिर थोड़ा चढ़ेगा हालेलुया लिखा है कि यह कटोरा है एक कटोरा में क्या क्या था पूरे मानव जाति का क्या था पाप था हालेलुया और इसीलिए कहते हैं कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए यहाँ दुआ करता है और जब यहाँ पर प्रार्थना करता है तो उसका पसीना पसीना निकल आता है कैसे लहू के समान हालेलुया जब सोच के देखिए जब 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 किसी का मृत्यु का समय जब पहुंचता और वो जान गया कि आज मैं मरूंगा तो उसका जिंदगी में क्या हाल होगा हालेलुया तो वैसे जब इसका समय हुआ तो जब प्रार्थना कर कटोरा मुझे टाल जाए लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ चिल के आए ने सनातन इनका कहा कि मैं तो आबा अमा सनंगे पूरे होकर भेजेगा हाँ नहीं 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 कटोरा मतलब डूब नहीं रहे ओके पाप है ना अब उस समय को माना और जाति का पाप है क्या मैं तो जब जब नया के गो गिरा पुरुष रहे छब के रहे मैं तो मुझे जब विश्वास बन रहा आप है जीवन जीवन कागे चेंज होता ना कन हो जाता है अब इन्हें ना कितने के कहा जो देना चाहिए अब क्या चंगाई चाहिए ओड़ा ओड़ा अब क्या पास चाहिए ओड़ा गाड़ी चाहिए बहुत कुछ चाहिए दुनिया का चाहिए लेकिन यीशु को नहीं चाहिए इसीलिए आज हम सभी की जिंदगी ऐसा है हालेलुया देखेंगे ऐसा यार 53 का 4 को पढ़िए कोई पढ़िए कोई निश्चय उसने हमारे रोगों को या सा लिया हमारे ही दुखों को उठा लिया आगे बढ़िए तब भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा ओके ओके अगर जो जो मन ने नींद आ रहा है थोड़ा उठ के सुनिएगा बैठने से नींद आएगा हालेलुया तो लिखा है यहाँ पर जिससे उसने हमारे रोगों को सा लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निश्चय मतलब हमारे रोगों को अब दुखों को के यीशु मसीह मैं आया दी रही थी किधर लिखा है कि हमारे ही दुखों को उठा लिया गया हालेलुया देखते हैं आगे परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया वह
कामों के कारण, अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे ही शांति पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। यीशु मसीह का कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। लिखा है कि पहला पत्रस का 2 में, वह आप भी हमारे पापों को, लिखा है कि हमारे पापों को, आप मानव जाति को पाप के लिखा, हमारे पापों को अपनी देह पर मतलब यीशु मसीह अबू पाप दोस्त आया लिखा है, वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, कहां पर? क्रूस पर। हालेलुया। क्रूस ने अब पाप को पाप विचार की तो का क्षमा, यदि अब पाप क्षमा तो यीशु मसीह है मयंत के क्षमा। हालेलुया। आप सो रहे हैं बड़ी नींद से। हालेलुया। लिखा है कि वह आप भी हमारे पापों का अपने देह पर क्रूस पर चढ़ गया, अब गुनाह को, अब पाप को, अब पाप को धर्मिता के लिए जीवन बिताए। लिखा है कि उसी के मार पड़ जाइए खाने से तुम चंगे हुए। यीशु के मार खाने से हम लोग चंगे होते हैं। यीशु मसीह के गोल दल की कारण थे अब बुझ को तरह मतलब तूने कोई मार खाया है? हालेलुया। आप ये बोलो कि प्रभु से मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको चंगा किए, ये होना चाहिए। लेकिन माए प्रार्थना की है, माए ले हैंड है इसके से प्रार्थना की है तब चंगा हुए। क्या है गलत है, ये क्या है? लोग को लालच की ओर जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग कई सालों से यीशु का असली रूप हम सबों से क्या छुपाया गया। आज हम लोग जान रहे कि यीशु का असली चेहरा छुपाया, असली मकसद आने का मकसद। हालेलुया। देखेंगे आगे तीमुथियुस अध्याय 2:4 के, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसी कुछ बोलेंगे लेकिन किसी को दुख लगेगा। हालेलुया। आज खुद को बड़े बड़े सेवक कहने वाले, बड़े बड़े टोपी वाले, बड़े बड़े क्रॉस पहनने वाले क्या आपके लिए जान दिया है? नहीं। क्या आपके लिए लहू बहाया है? नहीं। क्या आपके लिए मार खाया है? नहीं खाया। वचन क्या कहता है? जिसने अपना को हमारे लिए दे दिया। कौन दिया? यीशु मसीह। हालेलुया। आज लेकिन कौन लोग पिता बनते हैं? अब पिता बनने लायक बन जाइए। हालेलुया। मान ले अगर देखा जाए तो हम पौलुस को मान सकते हैं, वो तो कितना मार खाया, कई बार जा चुके हुआ। हालेलुया। लिखा है कि जिसने अपने हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के आधर्म से पढ़िएगा मेरे दोस्त, क्या लिखा हुआ है? आधर्म से। हाँ देखते हैं आगे। वह हमारे ही अपराधों का घायल किया गया, अपने आप को हमारे लिए, ये देखिए ऐसा पिटा गया।
मैंने ये वीडियो बनाया वो वहां से फोटो लिए, लेकिन क्योंकि क्योंकि यीशु मसीह को मारते समय किसी ने वीडियो नहीं किया था, किया क्या? और उस टाइम कोई डीएसएलआर नहीं था, हो सकता है कीपैड फोन में नहीं था, नहीं था जी, नहीं था। आज से 2022 साल पहले का क्या स्थिति होगा, लिखा है कि वह हमारे अपराधों के कारण क्या होगा, घायल किया गया, और लिखा नीचे गए क्या लिखा, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। लिखा ही यशायाह 53 का 6 में, हम तो सबके सब भेड़ों के खुली हो वचन को कहीं मिस्टेक नहीं किया, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने बड़े बड़े अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का आधर्म को छुड़ा, आधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सब के साथ भेड़ों के समान क्या हुए थे, भटक गए थे, अब मनवा उनको अब चीजें है ना, पाप रखू चिकन ना डुबोल लगो, हालेलुया। लेकिन हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सभी ने पाप की दुनिया में हम लोग क्या हुए थे, डूबे हुए थे, और लिखा है क्या, और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का आधर्म का बोझ आप परमेश्वर पिता ने आप और मेरा बोझ गुना पाप को क्या लिखा उसी पर लाद दिया, किस पर, यीशु मसीह पर, यहोवा ने हम सबों का आधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आज हम लोग मसीह में आने के बाद भी गुनाह करते तो सोच के देखिए यीशु मसीह कैसा दुखी होगा, हालेलुया। जबकि एक बार हम सबों के लिए पाप पे हम सबों के लिए अपने आप को बलिदान हुआ और अपने जान दिया और अच्छा वहाँ पूछते हैं कुछ, हालेलुया, यीशु मसीह ने कभी पाप किया था, हाँ पीछे से बोलिएगा आप क्या समझते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल राइट बात है, तो इसको ये दुख और मैंने क्रूस उठाने का डर क्या था, बोलिए जब इसने पाप नहीं किया तो ये क्रूस क्यों उठाना पड़ा, हम सबके पाप क्या है, बिल्कुल राइट बात, हम सबका पापों के वजह से ताकि हम सब बचाए जाए, हालेलुया। यीशु मसीह आबो है पाप को उठो के दाएं नियमित जी सोबर मनोहन को एको मनोहन को बचाओ का मंत है, इनको को बचावा ओकुल को यीशु मसीह को विश्वास है, हालेलुया। यीशु मसीह को विश्वास है आया हो वचन लेकर को ससना इनको के को बचाओ, हो मैंने वो वचन में लिखा है कि भुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं, देखते हैं 53 का 7 में, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, यीशु मसीह को डाल जाए इस समय रह जाएगा, हे इतने का एक अजीब की बात, हालेलुया, डाल किए को आज को हां सके लिए को तोल के को डाल किए एंडियो जाए के धमकी क्या भैया, हालेलुया। लेकिन आज मसीह लोग क्या बोलते हैं, धमकी देता है ना, और अगर जो व्यक्ति अगर मसीह में होकर जब बेवजह कर लोगों को धमकी देता है तो वो मसीह हो ही नहीं सकता, हालेलुया। लिखा है कि जिस प्रकार भेड़ अपवाद होने के समय और भेड़ी उन उन कतार के समय चुपचाप शांत रहते वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला,
लिखा है पहला पत्र का तीतो का वचन, ना तो उसने पाप किया, यीशु मसीह का भी पाप नहीं किया और किसी को गाली नहीं दिया। लिखा है कि ना तो उसने पाप किया या और ना ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। लिखा है कि 23 में वह गाली सुनकर पढ़ते जाइए गाली ना नहीं देता था। यीशु मसीह जब को दोष को मैंने दोषी को ठहरा दे समय चाहे के कायरा के हुए एल लिखा गया आप यो विश्वासी को मैंने चाहे के दोषी हार के हारे कपड़ी रहे हाँ अब के बांधो हुआ हालेलुया। लिखा गाली गाली सुनकर गाली नहीं क्या लिखा हुआ देता था नहीं देता और दुख दुख उठा के किसी को धमकी नहीं देता है आज। लेकिन धमकी आगे से लोग देता है कैसे पता है अगर तुम ताई दिन नहीं देते तुमको श्राप पाएगा। अगर आपने ताई दे मैंने पैसा मैंने ताई का मैंने तथा दसवां नहीं देता आपका आप स्वर्ग नहीं जाओगे स्वर्ग तेरे बाप का है। हालेलुया स्वर्ग जाने के लिए किसी प्रकार के ताइत की तरका नहीं है। आप कितना भी दसवां दोगे पर आपका चालान ठीक नहीं तो नहीं जाओगे स्वर्ग। क्या ठेपो ठेपो उंडे तक मैंने ठेपो एल लिखा गया वजन कहता कि धूप उठा करके किसी को धमकी नहीं देता। आज हमें किसी को किसी प्रकार के किसी बेवजह का किसी को हमें धमकी नहीं देना है। हालेलुया यीशु मसीह अन्याय सहाया जब यीशु मसीह अन्याय सहा तभी तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं जी। अगर यीशु मसीह भी अगर उनके साथ झगड़ा होता तो हम लोग आते हैं यहाँ नहीं आते डर से तो हमें भी वो हार मैंने लिखा है कि वो वचन में जैसा उसका स्वभाव होता वैसा ही तेरा भी स्वभाव हालेलुया। और हम लोग क्या है मसीह का पत्री है। हालेलुया देखते हैं आठ वचन में अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे ले गए यीशु मसीह को ले गए कहाँ ले गए रहते हैं अरे भाई बोलिए पीछे से हाँ या नहीं तो बोलेगा यीशु मसीह को लेगा वो लोग कहाँ ले गए कहते कहाँ ले गए थे अरे आप लोग बाइबल पढ़ते हैं हाँ यीशु मसीह को क्रूस पर लाद के कहाँ ले जा रहा था वेरी गुड ये बात होना चाहिए था। हालेलुया दोष लगाकर उसे ले गए थे उस समय के लोगों में किसने इस पर ध्यान दिया यहूदी लोग तो थोड़ी ध्यान देता यहूदी लोग क्या बोलता ये तो पेटू है बोल रहा था। हालेलुया और आज भी लोग विश्वास नहीं करते ठीक से और लिखा गया नीचे वचन मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण क्या हुआ उस पर मार पड़ी मतलब परमेश्वर राहुल को आबू गए और मैनेजर चाहे आजा वो मोड़ो हुआ मैंने फोड़ो हुआ करंत यीशु मसीह के मैंने गोजो पड़ा हुआ मेहनता या विचार हुआ था। हालेलुया देखते मेरे ही लोगों के अपराधों का उस पर मार पड़ी कहते समारा। हालेलुया देखते हैं हमारा इस कारण मैं उसे महान लोगों इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा आगे क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया आगे वह अपराधियों के संग गिना गया अपराधियों के साथ संग लिखा है गिना गया आगे पढ़िए तो भी उसने बहुतों के पाप के बोझ उठा लिया अपराधियों के लिए विनती करता था। हालेलुया यीशु मसीह को दाग समय जब किले की
अब माना उनको लगे रहा विनती की रहा। हालेलुया कि विनती क्या क्या पता है यहाँ लिखा गया वहाँ हमारे पास अध्यापन पत्रकार पढ़ेगा। तब धर्मशास्त्र का वो वचन कि अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ यानी ये वचन जो पहले में लिखा था ये ऐसा लिखा था वहाँ पर पूरा हुआ ना तो लिखा कि क्या लिखा हुआ अपराधियों के संग ये कौन है दो जन कौन था चोर था डाकू था और उसमें से अब अविश्वास के था ये ना विश्वास के तौर कहाँ गया आज ही तुम मेरे स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया देखते हैं कि क्या लिखा है कि माने हमारे लिए विनती एक बार यहाँ लिखा है यहाँ लिखा आओ अपराधियों के लिए विनती करता था लिखा है कि तब यीशु ने कहा ये पिता पढ़िएगा एक साथ पढ़िएगा 1 2 3 को स्टार्ट। तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया लिखा कि यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर जबकि अब इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज मसीही जीवन में क्षमा का नाम ही नहीं है लेकिन क्या दोष लगाने में क्या है एक नंबर का आगे है। हालेलुया यीशु मसीह कहते कि क्षमा करो जब यीशु मसीह ने हम सभी को क्षमा किया तो हमें भी क्षमा करना है। हालेलुया लिखा क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कौन लोग रोमी साम्राज्य भोजी लोग लिखा है कि चिट्ठियां जो उसे कपड़े बांटते इसका मतलब बड़ी ध्यान दिवाया आई मैं यीशु मसीह के जब इनको पुरुष को किले की समर आया हो बड़े लीजिए नहीं कहा था कि ना। हालेलुया यीशु मसीह के को क्रूस पर डूंगे की सवार आया हो होड़ मरे चेतन लीजिए खाता है। हालेलुया ताकि मेरे बेटे और बेटी लोग बचाए जाए या सोच के देखिए यीशु मसीह ने कितना क्या नहीं किया हम सभी के लिए। हालेलुया और आज मसीह लोग छोटे छोटे पहनते कपड़ा। हालेलुया मसीह बहन लोग भाई लोग का उससे काम नहीं है यहाँ भी फटल दिखता है यहाँ फटल दिखता है। हालेलुया और मसीह बहन लोग भी सही है बेढंग का पहनते कपड़े यीशु मसीह नंगा इसीलिए हुआ कि तुम्हारा बदल और तुम्हारा आत्मिक जीवन श्वेत वस्त्र से ढके रहे। हालेलुया आज यीशु मसीह जब हमारे लिए इतना जब नंगा होकर मैंने नंगा ही बोलते हैं क्योंकि लिखा है कि उसे कपड़े बांट लिए क्योंकि नहीं था उसे कपड़े नहीं था ये मैंने कह रहा वचन। हालेलुया तो हमें आज मसीह में है तो एक अच्छे तरह से कपड़ा पहनना है राइट ब्रदर बिल्कुल अच्छी तरह से पहनना कपड़े अगर साड़ी भी पहने तो अच्छी ढंग से पहनना है। हालेलुया अगर सूट पहनना है अगर जो भी है जींस भी पहनना कोई गलत बात नहीं लेकिन ढंग से पहनना है। हालेलुया क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने कीमत चुकाया हम सभी को बचाने के लिए कह गए कीमत चुकाया कीमत क्या है लहू बहाया। हालेलुया उसी के मार खाने से क्या हो गया हम लोग चंगे हो गए उसी के नगई होने से हम सब क्या हो गए मैंने हम सभी को मन से लेकर कपड़ा मिला। हालेलुया देखते हैं लिखा है कि अपने भाइयों को क्षमा करना आशीष देना और प्रेम करना प्रार्थना करें अपने भाइयों के लिए जब यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया लोगों के लिए तो आज हमें मसीह के जीवन में तो हमें कितना भी बुरे आदमी को हमें प्रार्थना करना चाहिए खत्म ये मैंने हमें प्रार्थना करना चाहिए दुश्मनों के लिए हमें प्रार्थना
करना चाहिए तब ना वहाँ परिवर्तन होगा जी। जब जब कपति जी ने मेहनत इनके लगे इनका काम नहीं दे दो कैसे जीवन परिवर्तन होगा। हालेलुया। तो लिखा है कि आशीष दो और लिखा है कि क्षमा करो आशीष दो मतलब हम जाना में तम तन पर दिया अगर चोरी दे रहा उसके लिए प्रार्थना कर रखिए प्रभु उनको आशीष करना और मुझसे ज्यादा उसको बढ़ाना। हालेलुया। ये काम आसान नहीं है। हालेलुया। लिखा है कि प्रेम करना और प्रार्थना करना लिखा है पहला कुरिन्थियों आ जाती में लिखा हुआ इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो जो मुझे पहुंच दी है। पौलुस बोल रहे हैं पढ़िए यहां से पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया आगे और गाड़ा गया पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन दिन के बाद जी उठा। यीशु मसीह को इस पृथ्वी में मैंने जो इस मिट्टी में इतना ताकत नहीं था कि यीशु मसीह को अगला सके इतना दम भी नहीं है। हालेलुया। कैसे क्योंकि इस दुनिया को बनाया उसी ने। हालेलुया। जब इस दुनिया को बनाया उसी ने तो कैसे उसको मिटा सकेगा नहीं मिटा सकेगा। हालेलुया। लिखा है कि मारा गया और क्या गया तीन दिन के बाद जी उठा। यीशु मसीह अबुए लगिन के दाल किए को पढ़ो तीन दिन अभी तरह के ना तीन दिन बाद रहे जी भी रिजन है। हालेलुया। हाँ अगर यीशु मसीह जी का भी रिजन अबु अबु विश्वास दे देना। हालेलुया। लिखा है कि यीशु का पढ़ेगा मदर यीशु का पैदा पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। यीशु का क्रूस पर मरना पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। यीशु का जी उठना पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। मूसा नबी से लेकर मलाकी नबी तक सभी ने भविष्यवाणी किए थे यीशु के बारे में। सब कुछ उसका मरना उसका पकड़वा जाना उसका पैदा होना माने उसका जी उठना उसका स्वर्ग में जाना और फिर से आना सबसे पहले इसमें लिखा हुआ था। हालेलुया। पढ़िए अनंत जीवन पाना है तो यीशु पर विश्वास करें। अनंत जीवन पाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। अनंत जीवन अगर नाम सनातन तो यीशु मसीह पे विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। मतलब नोट ईसाई। हालेलुया। ये बात सही है कि यीशु मसीह किसी ईसाइयों के लिए क्यों नहीं आता सारे मानव जाति के लिए आता है। यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं पाया था सारे मानव जाति के लिए पाया था। हालेलुया। इसीलिए लिखा कि आनंद जीवन पाना है तो यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा। नरक जाना है तो इसीलिए वहाँ नहीं जाना हमें अनंत जीवन जाना हमें यीशु मसीह के पास जाना है। तो आज का विषय क्या था यीशु का असली रूप असली चेहरा असली पहचान। हम लोग आज कुछ सीखे कि सही में कि यीशु मसीह का असली रूप और चेहरा कैसा था। हालेलुया। आज हम सभी को उस पर चलना उस पर विश्वास करना उसने हमारे लिए बलिदान हुआ हमारे पापों को अपने क्रूस पर खत्म कर दिया तो आज सिर्फ विश्वास करने से हम उसका बेटा और बेटी बन सकते हैं। हालेलुया। हमने भी अपने Hallelujah. Hallelujah.
धन्यवाद Praise the Lord. Worship you, Peter. Thank you, Jesus. Worship you, Master. Worship you, Master. Hallelujah. आज हम लोग सीखेंगे यीशु का जोर से बोलिए यीशु का रूप कैसा, यीशु का असली रूप क्या था। हालेलुया प्रियो, आज हम लोग सीखे कि यीशु मसीह का असली चेहरा कैसा था। यीशु मसीह का जब इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, यीशु मसीह को लहू बहाना है क्यों पड़ा, आज हम लोग सीखे। हालेलुया, हम सभी को सारे मानव को बचाने के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। हालेलुया का असली रूप क्या कैसा था और यीशु का मकसद क्या था, इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, आइए हम लोग सीखे और जाने। प्रभु हम सभी को यीशु वचन से आदेश करें। आइए आज हम लोग जांचे अपने आप को, जानते कि हम सब यीशु मसीह पर विश्वास के योग्य है कि नहीं है। यीशु ने जब हम सभी के लिए लहू बहाया तो हम सभी को उस पर विश्वास करना है। यीशु का लहू से हम सभी बचाए जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। इसको दियो पिता। हालेलुया। आइए अपने अपने होंठों को खोलिए और अपने अपने गुलाम को प्रेम लगे प्रेम यूं करे।
को अपने लहू से करते हैं, अपने अपने होठों को प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को यीशु मसीह को देंगे, क्योंकि यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। यीशु ने मानव जाति को बचाने का अपने लहू पाया, आप और आपको बचाने के लिए यीशु ने हम सबों के लहू पाया। प्रियो अपने जिंदगी को यीशु मसीह को दीजिए। यीशु आज आपके जीवन को, आपके गुनाहों को दूर करने जा रहा है। यीशु मसीह आपके पापों को दूर करने के लिए लहू बहाया। मैं मेरे प्रभु अपने जिंदगी को यीशु को दे। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू मास्टर, धन्यवाद। थैंक यू, आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह करी जीवित पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका आराधना, हम आपका वर्षित, हम आपका तारीफ करते प्रभु जी। धन्यवाद देते तो प्रभु जी, आपने आज का संदेश आपने सिखाया, हम सभी को बताया कि यशाया नबी के द्वारा आपने हम सभी को सिखाया कि यीशु का असली चेहरा कैसा था, आपने दिखाया प्रभु जी। और आपने ये भी सिखाया प्रभु की आपने पूरे मानव जाति को बचाने के लिए आपने लहू बहाया, और हमारे धर्म के कारण से प्रभु जी आपके ऊपर घोड़े घोड़े आपने लिए प्रभु जी। हमारी गंदी सोच के कारण से आपके सिर में मुकुट लगा खुदा का प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने हम सबको बचाने के लिए अपने लहू बहाया प्रभु जी। आज से लहू सारे मानव जाति को बचाने पर प्रभु प्रभु जी, आज का संदेश प्रभु जी 100 गुना लाने पर प्रभु सर्वे इन लोगों का जीवन प्रभु वचन का भूख और प्यास को जगाए प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, हम सभी ने अनजाने में गुनाह पाप के परिश में मानता हूँ प्रभु जी, आपने अपने गुनाह को प्रभु को बताए। हालेलुया प्रभु, सत्य हम सभी ने गुनाह किए, बोली से वचन से विचार से जो हम गुनाह किए प्रभु, आप सभी को क्षमा कर दीजिए फिर से प्रभु जी। आपका 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 वचन कहता है कि तुम्हारे पाप ते लागना की क्यों ना, लेकिन मैं हिम के समान स्वर्ग का तो आपने कहा कि प्रभु आपने आपका वचन कहता कि यीशु के लहू से पापों को धो देता प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे पापों को धोने के लिए, हम सभी को बचाने के लिए, हम सभी से इतना प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना हर एक जीवन को आपके हाथ में सौंप प्रभु जी। आज का संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, एवं यहाँ पर सभी विश्वासियों को आपके हाथ में सौंप धन्यवाद धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन आमेन। मंडली बैठ जाओ।